हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ कवर करने वाले हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी इसे कहते हैं पीपीटी। इस पर मैं आपको पूरा पूरा सेशन बताऊंगा कि कैसे हम पीपीटी बना लेते हैं। अगर यदि वीडियो वगैरह बनाना हो, मिक्सिंग वगैरह करना हो, थोड़ा बहुत पिक्चर एडिटिंग कर सकते हो, मूवमेंट लगा सकते हो, कोई एडिटिंग वगैरह बनाना है, फोटो एल्बम बनाना हो तो ये आप इसमें कर सकते हो। वीडियो अगर मिक्स करना हो, दो तीन वीडियो को मिक्स करना है, उस पर कुछ वर्ड्स लिखने, कुछ खुद से बोल करके बनाना, तो उन सब चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए पहला फीचर देखते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि एमएस पावर पॉइंट, इसको पीपीटी भी बोलते हैं, यानी क्या पीपीटी जो इसका एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, पीपीटी एक्स होता है। ख्याल रखना, ये एग्जाम पर्पज से भी हेल्प करेगा। और इसका जो पेज होता है, पेज को बोलते हैं हम लोग क्या, स्लाइड, यानी SLIDE स्लाइड बोलते हैं। और हम इसमें क्या तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, या पीपीटी बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे पास पेज है, यानी पहला पेज ये हमें दिख रहा होगा, ठीक है। ये टाइटल पेज है, और इस टाइटल पेज को हम चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ टाइटल है, सब टाइटल है। देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यू पेज चाहिए तो हम न्यू पेज मंगा लेंगे। शॉर्टकट की होता है Ctrl+M, क्लिक करो। देखो, यहाँ पर एक पेज ये, एक पेज ये, अगर जितना पेज चाहिए उतना मंगा सकते हो। अब यहाँ डिपेंड करता है कि लेआउट कैसा चाहिए, क्लिक करो। देखो, यहाँ पर लेआउट दे रहा है कि अगर आपको कोई एक आइटम लगाना चाहते हो, कोई फोटो, उसका हेडिंग देना चाहते हो तो हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। या अगर दो सेक्शन रखना चाहते हो, या केवल टाइटल रखना चाहते हो, पिक्चर वगैरह रखना चाहते हो, या दो आइटम वगैरह रखना, रख के दिखाना चाहते हो, कंपेरिजन वगैरह, तो कर सकते हो। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें दो आइटम को रख कर कंपेरिजन करना है कि एक बना रहे हो उसका मुकाबला, और एक नया है, एक ऑलरेडी बना हुआ है, उन दोनों में क्या कंपैरिजन है, तो एक क्लिक करके देख लो एक बार, से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर लेआउट चाहिए, यहाँ पे हेडिंग वगैरह भी चाहो तो लिख सकते हो, और यहाँ फोटो तस्वीर लगा दो, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, फोटो ये लिखा है, पिक्चर क्लिक करो, तो आप यहाँ से तस्वीर भी लगा सकते हो सीधा सीधा, ठीक है। इसे फ्रेम वगैरह मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये तस्वीर लगानी है, इंसर्ट कर दिया तो क्या, देखो तस्वीर लग गई। अब इसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, और यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे हालांकि अब मैं बता चुका हूँ पहले ही, एमएस वर्ड में ये सब चीज़ें आप जानते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको और भी जाननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे, वर्ड्स को डेकोरेट करके दिखाएंगे कैसे डेकोरेट करते हैं। यदि आप चाहो तो यहाँ पे ब्लैंक कर लो, ठीक है। ब्लैंक पेज पे भी कुछ आप अगर सपोजली कुछ शायरी वगैरह लिख रहे हो, या कुछ चाहते हो कि ऐसा आप खुद का पेज बना के रखो, तो बना सकते हो। अगर डेकोरेट करना चाहो तो क्या करो, तो ये डिज़ाइन में जाओगे, डिज़ाइन से यहाँ पे इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लिखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ वर्ड आर्ट होगा, क्लिक करो, और एक वर्ड ले लिया। हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, लिखा दस फ्रेंड कंपनी, ये कंपनी का नाम है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे होम पे जाओ, यहाँ लिखा गट शैडो वगैरह, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट होता है, शैडो लगा दो, शैडो ऑलरेडी है इसमें। यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह देखना चाहते हो, देखो सेंटेंस को वेरी टाइट लूज वगैरह रखना चाहते हो, वेरी लूज, तो आप जैसा चाहते हो वैसा शो करा सकते हो, ठीक है, वेरी टाइट। इसके बाद यहाँ पे इसको ड्रॉ करो, इसको बोलते हैं रोटेटिंग पॉइंट, इसको घुमा भी सकते हो जैसा चाहिए। यहाँ पे ये लुक दिखेगा, है ना, इसको सेट कर लो पहले, कंट्रोल जेड के लिए हमने। इसके बाद इसको बड़ा करना चाहो बड़ा कर लो, ऐसे नहीं बड़ा होगा तो कंट्रोल एक करके ऑल सेलेक्ट करो, यहाँ से बड़ा कर लो। बड़ा करने के बाद क्या करो, इसको यहाँ पे सेट करो, और यहाँ पे क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो कंट्रोल ए करो, ऑल सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट करके फॉन्ट पे जाओ, और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद अगर इसको चाहते हो कि ऑल कैपिटल लेटर हो, ठीक है, तो कैपिटल लेटर कर दो, कंट्रोल यू करो, कंट्रोल, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर आप चाहते हो कि ये जितना पहला वर्ड है सबको एक एक कलर को डिजाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या करो, सेलेक्ट करके यहाँ पर कलर दे दो, ठीक है ना, पहला लेटर हो गया, ओके। और यहाँ पे हमने सेट कर लिया इसको, अब देखो तो फटाफट इसको समझ लेते हैं।
ये क्या है, फॉन्ट स्टाइल है, इसको बोलते हैं बोल्ड, इसको बोलते हैं इटैलिक, यानी कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग शैडो। ठीक है, टेक्स्ट शैडो लगा सकते हैं, कोई नॉर्मल सेंटेंस लिख करके शैडो लगा दो। जैसे क्या, मान लो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, यहाँ लिख दिया कुछ चीज़ें, जैसे क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने डेवलपर कंपनी, डेवलपर कंपनी, ये नॉर्मल टैक्स है ना। अब देखो ध्यान से, अब इस चीज़ को चाहते हो कि यहाँ पर टैक्स शेडो लग जाए, तो यहाँ पर क्लिक करो तो शेडो लग जाएगा, समझ में आया ये चीज़। आप इसको सेलेक्ट करके ऑल करो, सेलेक्ट ऑल, इसको बड़ा करो, आपको दिख रहा है यहाँ पर शेडो थोड़ा सा, इसको शेडो क्लिक करोगे रिमूव हो जाएगा नॉर्मल टैक्स, ठीक है ना। अगे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे बोलते हैं इसको सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी स्ट्रिक्ट शो बोलते हैं, जब कोई वर्ड हो आप चाहते हो कि उसमें कुछ रॉन्ग मिस्टेक वगैरह हो स्पेलिंग, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद बोलते हैं हम लोग इसको, आपने इसका इस्तेमाल कर लिया सेंटेंस को वेरी टाइट लूज वगैरह करने के लिए, आप इसका इस्तेमाल करोगे। इसके बाद बोलते हैं इसको हम चेंज केस, अभी मैंने यूज करके दिखाया था, इसको चाहते हो कि कैपिटल ईच वर्ड हो, लोअर वर्ड हो, टुगल केस हो, यानी टुगल केस मतलब पहला स्मॉल बाकी सब कैपिटल, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रू बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंग, और इसको बोलते हैं फॉन्ट बड़ा कर सकते हो, चाहे जितना चाहो उतना बड़ा कर लो, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग। यदि आपने कोई चेंजेस किया है, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था और उसमें कोई अभी आपने चेंजेस कर लिया, कलर वगैरह सेट कर दिया, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, तो सबको क्लियर कर देगा फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। क्लिक करो, देखो नॉर्मल टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ओके अब मैं दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब इसके बाद क्या करना हो, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको बड़ा कर लो, शैडो लगा दिया। और अब देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बुलेट नंबर बोलते हैं इसको, बोलते हैं जिसको मैंने एमएस वर्ड बताया है, एसीएस, ठीक है। आप कुछ चाहते हो, कुछ पॉइंट दिखाना चाहते हो तो पॉइंट दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ पॉइंट आपको दिखनी है, बुलेट नंबर, आप पॉइंट चेंज करना चाहो तो ऐसा चेंज कर सकते हो। कुछ लिख दिया आपने, लिख दिया क्या, सॉरी एमएस वर्ड, और दूसरा दिखाना चाहते हो एमएस एक्सेल, एक्सेल। तो यहाँ पे अगर बुलेट नंबर लगाना चाहते हो तो क्लिक करोगे ना बहुत आसानी से, आपने एमएस वर्ड में पढ़ाई है, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हो सीधा सीधा, इसको वापस ले आओ, इंटर। अब देखो दोनों को सेलेक्ट करके ना आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, इनमें से कोई भी चेंज कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट देने के लिए बना लेते हैं। इसके बाद इसको बोलते हैं क्या, इसको सेंटर में करना, सेंटर में कर लो, लेफ्ट राइट, ठीक है ना। कंट्रोल एल से क्या होता है लेफ्ट, कंट्रोल ई से क्या होता है, कंट्रोल ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइनमेंट, और कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई, ठीक है। तो आप जस्टिफाई हम कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे होगा लाइन स्पेसिंग, से बोलते हैं क्लिक करके देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर पाओगे, तो क्या करोगे, यहाँ पर सेलेक्ट किया दोनों वर्ड को कंट्रोल ए से और सेलेक्ट, और अगर आप स्पेसिंग देना चाहते हो तो दे सकते हो, गैपिंग वगैरह, ठीक है, तो अच्छा क्लियरिटी आती है प्रेजेंटेशन में। इसके बाद हम बात करेंगे, आप चाहते हो कि ये जो वर्ड है थोड़ा अलग तरीके से है, मान लो ये वर्ड है, आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, देखो इसको कर दो वर्टिकली, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो जाता है, टेक्स्ट को और भी अच्छा कर देगा, ठीक है ना। ऐसा अगर चाहते हो तो आप कर पाना, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम सेट कर पाते हैं। इसके बाद कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करो, ठीक है, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट, इसको स्मॉल कर लिया, और स्मॉल करके इसको सेट कर लो यहाँ पे। अगर आप चाहते हो इस चीज़ को सेट करना है इधर, टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर दो, देखो यहाँ पे पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको पूरा पूरा सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसा सेट करो। अब देखो ये लिखा अलाइन टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये क्या है, इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, इसमें मैंने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसको टॉप, लेफ्ट, राइट, इसे कितना डिस्टेंस छोड़ के चाहते हो, जहाँ पे कर्सर होगा उस कर्सर यहाँ से इसको कितना आप डिस्टेंस देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अगर यदि आप स्मार्ट आर्ट में चेंज करना चाहते हो किसी भी शेप को, देखो इस तरह से चेंज कर सकते हो, नॉर्मल चीज़ों को आप एक शेप में कन्वर्ट करके बता सकते हो, ठीक है, डिफाइन कर सकते हो, ये बहुत ही बेनिफिट होता है, ये पूरा तरीका है काम करने का, इसको चेंज कर लो कलर में वगैरह में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, ये हो गया। इसको अगर यदि आपको यहाँ पे कोई शेप वगैरह चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, शेप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई शेप चाहिए शेप ड्रॉ कर लो, और जब शेप ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फॉर्मेट मिलता है। फॉर्मेट पे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है, अलग अलग कलर है मिलेंगे हमें, और कलर वगैरह के साथ हमें क्या मिलेगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी हमारे पास,
इसको अप्लाई कर लेंगे, इसको बड़ा कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब मान लो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर दो पिछले वाला, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दो यहाँ से। लेकिन ये कैसे होगा, ये आप डिलीट कर दो सीधा सीधा, ये डिलीट करो वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक, समझ आया। अब ये जो मैंने शेप मंगा लिया, इस शेप को क्या करना है, हमें कुछ मूवमेंट करके दिखाएंगे क्या होगा आगे, ठीक है। अब देखो आगे हम जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे अरेंज की बात हो रही है, यहाँ पे दो शेप मंगा लो, दो शेप रहेगा तो आपको हेल्प करेगा कि क्या करना है आगे वो देख समझ में आएगा। मान लो ये शेप ले लिया आपने, एक ड्रॉ किया सेफ, ठीक है। आप चाहते हो कि ये जो शेप है इसके बैक साइड में जाए, तो क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि यहाँ सेंड टू बैक, तो ये क्या होगा, बैक चला गया, समझ में आया। इस तरीके से आप इस फॉर्मेटिंग को काम करो अपना अंजाम दोगे। इसके बाद यदि चाहते हो कि हर शेप में कुछ अगर अगर लाइनिंग वगैरह ढंग का हो, तो आप यहाँ पे लाइनिंग वगैरह डैशेस वगैरह सेट कर सकते हो, समझ में आया। इसके बाद क्या करो, होम पे वापस जाओ, वापस जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, शेप वगैरह, देखो यहाँ पे शेप का कलर वगैरह चाहते हो तो आप इस तरीके से कलर वगैरह का सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या यहाँ पे लिखा है, शेप फील, देखो कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। अगर ग्रेडियंट लगाना चाहते हो तो ग्रेडियंट वगैरह, यहाँ पर मोर ग्रेडियंट जाओ और इसको साइड में रखो, यहाँ ग्रेडियंट लिखा हुआ है इसको कर लो, इसमें देखो कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो बहुत सारे कलर हैं, अगर आप चाहते हो हार्ट शेप में, और लाइनर नहीं यहाँ पे रेडियल चाहिए तो आप रेडियल मंगा सकते हो, और पाथ चाहिए तो पाथ अलग ही तरीके से मिलेगा, और ठीक है, इनका इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो क्या करना, ये देखो अलग अलग तरीके से कलर बन चुका है, ठीक है। और इसमें चाहते हो कलर वगैरह करना तो आप ग्रेडियंट पे जाओ, मोर ग्रेडियंट, और इसमें क्या करो, सीधा सीधा ग्रेडियंट पे गए, यहाँ पर क्या करोगे, कलर ले लो कोई भी, यहाँ पे पाथ ले लोगे तो ये क्या होगा, 20 से वो कलर मिलेगा। इनमें से देखो बहुत सारे स्टॉप लगे हैं, इनमें से स्टॉप में क्या करो, कोई भी कलर सेट कर दो, तो ये क्या होगा, उस तरीके से कलर मिलेगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉर्नर पे जाओ, अगर रेड चाहते हो तो रेड कर लो, सीधा सीधा रेड करोगे क्या होगा, अब इसको बढ़ा भी कर सकते हो घटा भी सकते हो, ये देखो पूरा जैसा चाहिए वैसा बना सकते हो डिज़ाइन वगैरह, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हमें करना होगा, हम वापस जाते हैं, इसके बाद ये होगा यहाँ पे शेप आउटलाइन लिखा हुआ है, अगर आउटलाइन सेट करना चाहते हो ना तो देखो यहाँ आउटलाइन भी सेट कर पाओगे, और क्लिक किया, चाहते हो कि इसका वेट बढ़ जाए तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इफेक्ट देना चाहते हो तो अब इफेक्ट भी दे दो, बहुत ही मज़ेदार इफेक्ट, तो अब दिख रहा है आपको अलग तरीके से, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। इस पर कुछ वर्ड लिखना चाहते हो तो और भी खूबसूरत लगेगा ना, ठीक है। अब मान लो ये हार्ट शेप हमारे पास है, इस हार्ट शेप में कुछ शेप चाहिए, देखो कुछ डिज़ाइन टाइप का ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ओके सॉरी, हाँ यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया और सेफ इफेक्ट पर जाकर के यहाँ ना इसको अलग अलग सेम देंगे, जो भी आपको सेट करना हो सेट कर लेना। इसके बाद क्या करना, यहाँ लिखा फाइंड रिप्लेस, इसको मैंने बता दिया ऑलरेडी, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है, कंट्रोल एस से रिप्लेस, कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट, ठीक है। इसका मैंने एमएस वर्ड में बताया अच्छे से, एमएस वर्ड में भी एक्सेल में भी, ठीक है। तो ये रहा एमएस वर्ड का जो होम मेनू था, सॉरी पावर पॉइंट का होम मेनू का एंड, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो आगे कंटिन्यू रखूं, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है ना, इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसमें मैं आगे बताऊँगा कि कैसे हम वीडियो एडिट करते हैं और ऑडियो कैसे एडिट करते हैं, ठीक है।